आइए आज हम सीखते हैं आइकोसाहेड्रन बनाना। जैसा कि आप जानते हैं, आइकोसाहेड्रन एक ऐसा पॉलीहेड्रन होता है जिसमें 20 फेसेस होते हैं। देखने में यह कठिन प्रतीत होता है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सुंदर मॉडल केवल दो A4 साइज शीट से बनाया गया है। इसे कोई भी बच्चा बड़ी ही आसानी से कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकता है। आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दो A4 साइज शीट, स्केल, टेप, ग्लू, कैंची और स्केच पेन। A4 साइज शीट लीजिए, उसके छोटे वाले सिरे को बड़े वाले सिरे के ऊपर रखिए और बाकी का बचा हुआ कागज़ फाड़ दीजिए, तो आपको एक स्क्वायर शीट मिल जाएगी। उस स्क्वायर शीट के चारों कोनों पे 1, 2, 3 और 4 लिख दीजिए। अब कॉर्नर 1 को कॉर्नर 2 के ऊपर ले जाते हुए इस शीट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इस तरह इसकी मिड लाइन बन जाएगी, बीच की लाइन। अब कॉर्नर नंबर 1 को इस मिड लाइन के ऊपर ले जाइए, ले जाते हुए एक फोल्ड बनाइए कॉर्नर 2 तक, जैसे ये वाला। ऊपर वाले सिरे से कॉर्नर 2 तक ये फोल्ड जाएगा और कॉर्नर 4 को इस वाले फोल्ड के ऊपर डाल दीजिए, तो आपको एक 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। अब उसी तरह कॉर्नर 2 को मिड लाइन पे लाते हुए एक फोल्ड बनाइए कॉर्नर 1 तक। ऊपर की साइड से कॉर्नर 1 तक आएगा और कॉर्नर 3 को इस फोल्ड के ऊपर फोल्ड कर दीजिए। इस तरह आपको यहां भी एक 60 डिग्री का एंगल, नुकीला एंगल दिखाई देगा। इस तरह आप देखेंगे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप कॉर्नर 1 को फोल्ड कीजिए और कॉर्नर 3 को फोल्ड कीजिए और इन दोनों फोल्ड्स को एक के ऊपर एक फोल्ड करके इनकी मिड लाइन बना दीजिए। शीट को खोलिए और इसी तरीके से कॉर्नर 2 और कॉर्नर फोल्ड को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कीजिए और इन दोनों को एक दूसरे पे फोल्ड करके इनकी भी मिड लाइन बना दीजिए, कुछ इस तरह। शीट को खोलिए और अब जहां पे 1 और 4 लिखा है उस वाले सिरे को मिड लाइन के ऊपर ले जाके इसी तरीके से 2 और 3 वाले सिरे को भी मिड लाइन के ऊपर ले जाके फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो आपकी जो शीट है उसमें बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन गए हैं। अब इन सारी क्रीचर्स को स्केच पेन की सहायता से हाईलाइट कर दीजिए और एक बहुत ही सुंदर ट्रायंगल का ग्रिड आपको आपके पेपर पे दिखाई देगा। अब इस शीट को मिड लाइन से दो भागों में बांट दीजिए। अब इन दोनों भागों को आपस में जोड़ दीजिए कुछ इस तरह, जिससे हमें ट्रायंगल्स की एक लंबी स्ट्रिप मिल जाएगी। जोड़ने के लिए आप टेप का यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ी ही सावधानी से दोनों पार्ट्स आपस में बिल्कुल सही तरीके से जुड़ें। पहले जो दो छोटे छोटे पीसेस से जोड़ लीजिए, उसके बाद आप बड़ा टेप यूज़ कर सकते हैं, तो कागज आपका हिलेगा नहीं और आपकी स्ट्रिप बिल्कुल सही जुड़ जाएंगी। अब इस स्ट्रिप में हमें ऊपर की तरफ 5 पूरे ट्रायंगल चाहिए। इनको हम 1, 2, 3, 4, 5 लिख दे रहे हैं और जो बाकी के दो ट्रायंगल बच जा रहे हैं इनको हम हटा देंगे कुछ इस तरीके से। तो नीचे वाली पट्टी में आप देखेंगे एक तरफ तो आधा ट्रायंगल कर दिया है और एक तरफ हमने पूरा ट्रायंगल ले लिया है।
अब ऊपर के जो पांचों ट्राइंगल हैं जिसको हमने मार्क करके रखा है उनको हम एक दूसरे से अलग कर देंगे कुछ इस तरह। ध्यान रखें हमें बस ऊपर वाले जो मार्क्ड ट्राइंगल थे उन्हीं को अलग करना है, पूरी स्ट्रिप नहीं अलग करनी है। अब आप देखिए जो ट्राइंगल है उनके दो दो फ्लैप हैं, सारे ट्राइंगल्स के दो दो फ्लैप हैं, हम एक एक फ्लैप सारे ट्राइंगल से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और जो बचे हुए फ्लैप्स हैं उनके ऊपर हम थोड़ा गोंद लगा लेंगे। अब हम इन पांचों ट्रायंगल को एक दूसरे से जोड़ेंगे। एक ट्रायंगल के फ्लैप को दूसरे ट्रायंगल के नीचे ले जाके चिपका देना है बस, और बड़ी ही आसानी से आप ये पांचों ट्रायंगल आपस में जोड़ सकते हैं। जब पहला और पांचवा ट्रायंगल आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक पेंटागन का शेप मिलेगा। ये देखिए इसी तरीके से आपको एक मॉडल और बनाना है। ये देखिए अब जो नीचे वाली पट्टी में आपके पास में एक पूरा ट्रायंगल और एक आधा ट्रायंगल था, इन दोनों ट्रायंगल को किसी भी एक मॉडल में आप जोड़ लीजिए। एक पार्ट में हम बचा हुआ हाफ और फुल ट्रायंगल जोड़ देंगे और उस पार्ट को हम दूसरे वाले पार्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इस तरह बड़े आसानी से इंसर्ट हो जाएगा और फिर दूसरे वाले पार्ट में भी इस हाफ ट्रायंगल और फुल ट्रायंगल को एक दूसरे से हम जोड़ देंगे। हाफ ट्रायंगल के ऊपर ग्लू लगाइए और फुल ट्रायंगल को उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। बड़ी आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे आपका एक बहुत ही सुंदर आइकोसाहेड्रन तैयार हो गया है। इसको स्कूल के लिए बनाइए, अपने प्रोजेक्ट में, या खेलने के लिए बनाइए। इससे आप प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैथ्स पढ़िए और इंजॉय कीजिए और मेरा चैनल लेट्स थिंक डिफरेंट सब्सक्राइब करिए करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।